रॉयल राजपूताना संघ की जयपुर टीम द्वारा फाग उत्सव एवं होली मिलन समारोह वैशाली नगर स्थित चोपड़ास कैफे में रखा गया। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में राजकंवर बाईसा को आमंत्रित किया गया। समारोह की अध्यक्षता ज्योति बाईसा, प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह राठौर, महिला प्रदेश अध्यक्ष ललितेश बाईसा ने और बसी रानी साहिबा महेंद्र कंवर को वीआईपी गेस्ट और रानी साहिबा देवेंद्र कंवर भी वीआईपी गेस्ट एवं निम्स यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर श्री पंकज सिंह को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा क्षेत्रवासियों ने भाग लिया और हमेशा अपना योगदान क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाने हेतु देने का प्रण लिया। पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथियों ने प्रोग्राम के सफल होने की शुभकामनाएं प्रेषित की। ये हमारी राजपूत महिलाओं का प्रोग्राम है। इसमें हम पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को, जेंट्स को, केसर सिंह जी बना हमारे बहुत सबसे पहले जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से हम लोग सब जुड़े हैं। और इसमें हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो भी परिवार, बच्चे, बड़े, महिलाएं, जो भी कोई आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उनका उत्थान कराना, उनको ऊपर लाना, और जो नीडी है, जिनको जो ज़रूरतमंद है, उनके लिए ऐसी चीज़ें हम प्रोवाइड करें। छोटा छोटा चंदा भी हम इकट्ठा करते हैं, अपनी जितनी भी अपनी भावना है, जितनी भी अपनी हैसियत है उसके हिसाब से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे समाज के ऊपर आए और ऊपर आके और जुड़ाव हम एक दूसरे से रखें। आज इतनी संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुई है, हम एक दूसरे से पहचान कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एक दूसरे की बात सुनेंगे, फ़ोन नंबर एक्सचेंज करेंगे, और कभी ज़रूरत पड़ी तो हम इकट्ठे भी होंगे। ये जो प्रोग्राम है, ये समाज विशेष का ही है या सर्व समाज का है? नहीं, अभी तो हम समाज विशेष का कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में हम धीरे 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 36 ही कौमों को जोड़ेंगे अपने साथ में, सब हमारे साथ में। आज महाराणा प्रताप ने जो युद्ध किए थे उसमें 36 ही कौम साथ थी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये राजपूत, लेकिन फिर भी जब क्षत्रिय हमेशा से ही लीड करता रहा है। आज की बात नहीं है, आप पुरानी बात ले लो, क्षत्रिय ने हमेशा अगुवाई की है और हमेशा आगे बढ़ा है। और रानी पद्मिनी का जौहर ले लो, उसमें भी क्षत्रानी रानी पद्मिनी जब ये डिसाइड करके और अपनी आहुति देने का निश्चय किया, तो सारी की सारी क्षत्रानी, सारी समाज की जितनी उनके किले में थी औरतें, बच्चे, सब ने मिल के सहयोग से और वो जौहर किया था। तो इसलिए हम सर्व समाज के साथ भी, हम खाली अपनी कौम के साथ ही नहीं सर, लेकिन हमारी कौम बहुत पिछड़ गई, कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से और कुछ संविधान के नियमों की वजह से जो ये आरक्षण का और ये हुआ है मुद्दा, उसमें हम चाहते हैं कि आरक्षण 36 कौमों को दिया जाए, लेकिन आर्थिक आधार पर। जहाँ देश की बात चलती है वहाँ देशभक्ति की बात चलती है, जहाँ देशभक्ति की बात चलती है वहाँ बलिदान की बात चलती है, और जहाँ देशभक्ति, बलिदान और देश की बात चलती है वहाँ राजपूत की बात चलती है। आज जो है देश का राजपूत विखंडित है, और कहीं ना कहीं जो एक सामाजिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसके चलते बहुत पीछे भी है। मैं समझता हूँ कि जो राजपूत रॉयल संघ ने ये आज एक आयोजन किया है होली मिलन का, इसके माध्यम से न केवल राजपूत समाज में नई चेतना का संचार होगा, बल्कि राजपूतों को, युवा राजपूतों को मंच पर आने का एक मौका भी मिलेगा। मैं सभी संयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पंकज, आप बताएं कार्यक्रम के बारे में क्या है और उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है? ये रॉयल राजपूताना संगठन से प्रोग्राम किया गया है,
ये रॉयल राजपूताना संगठन से प्रोग्राम किया गया है। कैसर बना और ललिता भाईसा को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने सभी राजपूतों को एक किया है। इसका मोटिव ये है कि हम सब मिलकर रहें, एक साथ रहें, जो थोड़ा पिछड़ापन आ गया है वो एक साथ हो जाएं। इसका मोटिव सबसे बड़ा है एकता का, और खास करके फाग उत्सव का महीना चल रहा है तो सोचा फाग उत्सव भी मना लिया जाए, थोड़ा सा कल्चर भी अच्छा लगेगा। तो ये एकता के लिए किया गया राजपूतों के संगठन के लिए। तो जगह जगह से आए हैं, जैसे महारानी से आए हैं और कोटा से भी आए हैं, सब जगह से आए हैं, मतलब राजस्थान से बाहर से भी सभी छत्रानियाँ आई हैं। तो मैं उन्हीं का धन्यवाद करना चाहती हूँ। ऐसे अवसर होते रहने चाहिए, प्रोग्राम होते रहने चाहिए, जिससे सभी को मोटिव मिलता है कि हम सबको एक बनकर रहना है। खासकर मैं कैसर बना और ललितेश भाई साहब को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इतने बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया। ये जो प्रोग्राम है ये क्यों किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या आप लोगों का? एक्चुअली मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ और हम माने जोधपुर में कई कह रहे एक रिवाज है कि ज़्यादातर मारवाड़ी में बोलना, राजस्थानी भाषा में बोलना, जो अपनी भाषा है वे मैं पहले बोलना। तो मैं थोड़ी सी हिचकिचा भी रही कि बोलूँ या नहीं बोलूँ, बाकी मारो मन बहुत हो। राजपूत समाज हर जगह पिछड़ रही है, कुछ गलतियाँ भी कर रही है तो खूब अच्छों भी कर रही है। तो इन वास्ते अगर ऐडा संगठन बनेला तो इनू काफ़ी उन्नति भी होला, राजपूतारी तरक्की होला, एक दूसरा की भावना सब समझेला। तो मैंने वो भी एक थोड़ा सबने अर्ज करनी है कि आजकल जो शादियां हो रही है राजपूतारी इतना खर्चा कर रही है, इतना सब कुछ कर रही है, सब बोल रही है, पर शादी रो खाणो माने पेट में हजम ही नहीं रहे जितना तो शादियाँ टूट जाए। इनो कारण कही है, इन कारण वास्ते भी अपने सब ने एकजुट होने करना पतो करना पड़ी। दो ही फैमिली ने मिले, अच्छा अच्छा जो सरदार बिराजे आए वे दो चार रो ग्रुप बना, अने दो ही फैमिली मिले, लड़की वालों भी लड़का वालों भी, और मिलने पतो कराएं जट तक हो सके वापस राज्य कॉम्प्रोमाइज करावे और सबने समझावे कि भैया कितनी अपन वास्ते वाह हो जावे शर्मिंदगी। तो ये सब छोटा कुछ ऐसी लेडीज है जिकी भोड़ापना में अगर कोई बचत करने कुछ पैसा इकट्ठा करिया और रहने भोड़ापना रो फायदो उठान घर्रा रिश्तेदार लोग ही जो है पैसा ले लिया कि मैं आपने वो लौटा दूँ, वो काम है जल्दी वापस लौटा दूँ, और फिर नाम ही नहीं लेवे जी। आज रॉयल राजपूताना संघ की जयपुर टीम की तरफ से फागोत्सव चोपड़ा रेस्टोरेंट वैशाली नगर के अंदर आयोजित किया गया। इसमें राजस्थान के कई जगहों से अतिथि लोग पधारे, रानी साहिबा महेंद्र कंवर साहब बस्सी चित्तौड़गढ़, रानी साहिबा देवेंद्र कंवर जी वो भी चित्तौड़गढ़ से ही हैं, उसके अलावा राजकुमार वाइसा जो जयपुर में हैं समाज सेविका हैं वो चीफ गेस्ट हैं, उसके अलावा ज्योति भाई साहब जो बाहर चित्तौड़गढ़ से पधारे, उसके अलावा भी और कोटा से बूंदी से कई जगह से छतरानियाँ इकट्ठी हुई हैं। और उन लोगों का सबका जो मोटो था वो होली स्नेह मिलन समारोह फागोत्सव के साथ साथ के अंदर राजपूत समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, राजपूत समाज के उत्थान में छतरानियों का क्या योगदान रहे, तो उसके ऊपर डिस्कशन हुआ और ये आज का हम लोगों का प्रोग्राम इसी तरीके से आयोजित किया गया।